राज्य सरकार केंद्र सरकार को जो आंकड़े उपलब्ध करवाना चाहिए वो आंकड़े उपलब्ध नहीं करवा, जो रेवेन्यू के आंकड़े गांव गाँव के पट्टों के आंकड़े उसके बारे में जानकारी देना चाहिए। और ये राज्य सरकार तो गरीबों से भी पैसा कमाने में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया था कि गांव गांव में जितने लोग जिस जमीन पर काबिज हैं उनको उसका पट्टा दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में पट्टा बांटने का काम शुरू भी किया, शहरी क्षेत्रों में भी पट्टा बांटने का काम शुरू किया। और उसके बदले राज्य सरकार और वर्तमान की कांग्रेस सरकार पैसा वसूली कर रही है कि जिनको पट्टा दिया जाएगा उनको प्रति वर्ग मीटर पैसा देना पड़ेगा। तो ये राज्य सरकार जो है सिर्फ वसूली के काम में लगी है और केंद्र सरकार को आंकड़े उपलब्ध नहीं करवाती है। जैसे 26 लाख किसानों को प्रधानमंत्री न्याय योजना का 6000 रुपये मिलना है, वो किसानों को नहीं मिल रहा है क्योंकि राज्य सरकार उसके आंकड़े ठीक तरीके से जो फिल करना चाहिए वो नहीं कर रही। तो राज्य सरकार की गलती के कारण ये सब नहीं हो रहा है। और आने वाले समय पर तो उस योजना में राज्य सरकारों को ही इम्प्लीमेंट करना है कि सबको उनकी जमीन का जितने उनकी प्रॉपर्टी है उसके कार्ड बना कर देना है। और केंद्र सरकार जो है उसमें ये करेगी कि बैंकों को बैंकों के माध्यम से उन जमीनों के जो कागज और उनके रिकॉर्ड बन जाएंगे उनके नाम पर कर जाएंगे उस पर लोन मिलेगा। तो ये तो केंद्र सरकार ही करने वाली है और बाकी जो आंकड़े बनाकर देना है वो तो राज्य सरकार को ही देना। पूरी कांग्रेस पार्टी को कोरोना हो गया और एक बार पूरी कांग्रेस पार्टी का टेस्ट होना चाहिए क्योंकि उनके प्रभारी और उनके साथ में बैठे हुए लोग जो दो दिन तक पुनिया जी के साथ में रहे वो अगर जनता के बीच में जाते हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं तो संक्रमित सबको संक्रमित करेंगे। और इसलिए संक्रमित पार्टी के लोगों को सबसे पहले क्वारंटाइन होना चाहिए और इलाज करवाना चाहिए। शुक्रवार को उनका टेस्ट हुआ, शनिवार 7 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए, टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार भी नहीं किया उन्होंने। अब वो जब प्लेन में गए होंगे जिसके साथ बैठे होंगे, ये सब क्या है? ये क्या महामारी के तहत मामला दर्ज होना चाहिए? ये सब निश्चित रूप से मजाक है कि एक सरकारी राज्य के प्रभारी और वो प्रभारी इतनी बड़ी लापरवाही करें तो ये औचित्यपूर्ण नहीं है। और राज्य सरकार को इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए कि इस प्रकार की परिस्थितियों को कैसे टाला जा सकता है और राज्य सरकार को इनको टालना चाहिए। देखिए कांग्रेस क्या घिरेगी, कांग्रेस क्या घेरेगी बीजेपी को? जल्दी बोले तो बोले, जिसमें 56 छेद है वो बोले। ये बड़ी बात है कि जिस पार्टी की सरकार में स्थान स्थान पर दो दो ढाई ढाई महीने तक और जुर्म दर्ज नहीं होते हैं, बिटिया आत्महत्या कर लेती है और पति को उसके पिता को कार्रवाई करवाने के लिए और आत्महत्या के करने के लिए अटेम्प्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो ऐसे राज्य के लोग क्या बोलेंगे हाल नसीब में? मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरे हिंदुस्तान के कानून भी जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं कि केंद्र की राज्यसभा और लोकसभा में 2/3 बहुमत से अगर कोई भी विधेयक पारित होता है तो वो पूरे देश में लागू होगा। और उसके बाद में ये खाली ढकोसला करना, दिखावाबाजी करना, राजनीतिक स्टंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बार बार दलील दे रहे हैं कि यहाँ की धान खरीदी बंद हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी, राशन नहीं दे पाएंगे। तो बताए हैं कौन से कानून में, ये तो पूरे अगर इस बात को कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं तो वो राजनीति कर रहे हैं, परंतु अगर मुख्यमंत्री या मंत्री कहते हैं तो वे संविधान की अपनी शपथ का उल्लंघन कर रहे हैं कि कैसे खरीदी बंद हो जाएगी। सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का जो विकल्प है वो केंद्र सरकार ने आज भी रखा हुआ है। मंडी एक्ट के अंतर्गत, मंडी एक्ट राज्य सरकार का है, वो मंडी एक्ट आज भी रहेगा। तो पुराने कानूनों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया और राज्य सरकार केंद्र सरकार के बिहाफ में सपोर्ट प्राइस पर धान खरीदती है। केंद्र सरकार आज भी 60 लाख टन के चावल खरीदने का इनको आश्वासन दिया है। तो ये सब राज्य सरकार में बैठे हुए मंत्री पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस प्रकार का असत्य कथन करते हैं तो वो अपने ली गई शपथ का उल्लंघन करते हैं। देखिए मारवाही में कांग्रेस जो है अपने आप को हारा हुआ मान रही और हारा हुआ मानने के कारण वो दुनिया भर के हथकंडे अपना रही है, दल बदल करवा रही है, जाति के प्रमाण पत्र निरस्त करने की बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में कम से कम चुनाव की पवित्रता को भंग नहीं करना चाहिए और ये दुर्भाग्यपूर्ण।